हाय गाइस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम MBR और GPT फॉर्मेट या पार्टीशन का एरर कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप मेरे सिस्टम पे देख रहे हो कि मैंने एक एनीडेक्स लिया हुआ है, जैसे कि रिमोट कंट्रोल, जो एरर मेरे फ्रेंड को फेस हो रही है, तो उसी का प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज हम इस वीडियो में करेंगे, और एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। गाइस, अगर आपने पुराना हार्ड डिस्क अपने नए सिस्टम में लगाया हुआ है डेटा रिकवरी के लिए, तो अगर आपको यहाँ पे एरर आ रहा है और हार्ड डिस्क का पार्टीशन आपको जिस पीसे में नहीं बता रहा है, तो आप उस हार्ड डिस्क को फॉर्मेट ना करें, क्योंकि आप अपना डेटा लॉस कर सकते हैं। हम अगली वीडियो में जानेंगे कि अगर हमारे हार्ड डिस्क में डेटा होने के बाद अगर हम इस एरर को फेस करते हैं तो कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। अभी जो हार्ड डिस्क या साटा SSD को मैं फॉर्मेट कर रहा हूँ, वो न्यू साटा SSD है, इसलिए मैंने उस SSD को डायरेक्टली फॉर्मेट कर रहा हूँ। जैसे आप देख रहे हैं, ऑलमोस्ट मेरे फ्रेंड का जो भी इशू प्रॉब्लम था रिजॉल्व हो चुका है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन और लाइक ज़रूर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि कैसे थी मेरी वीडियो, आपको कैसे लगी।